श्री गणेश, गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना के साथ और भी गणेश जी के भजन मैंने बना के दिए हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। क्लासिकल बेस्ड भजन भी है, उसमें दो लिंक मिलेगा और भी गणेश वंदना जो मैंने बनाया है, तो वो ज़रूर आपको तैयार करना चाहिए। और ये गणेश वंदना अपने आप में लाजवाब है, लाइट प्रोग्राम, लाइट स्टाइल के अंदर, यानी कि एक जागरण स्टाइल के अंदर क्लासिकल बेस ये गणेश वंदना है, बहुत ज़बरदस्त का ये आपको सीखना है। तैयारी भी होगी बहुत ज़बरदस्त तरीका से, म्यूजिक पार्ट भी बता दूंगा, एक डेमो थोड़ा सा कहरवा ताल चल रहा है, बाकी चीज़ मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ, पूरा ज़रूर सीखिएगा। इस तरीका का चीज़ कम लोग गा पाते हैं, या गाते हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ इधर उधर करके गा लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सही नोट में आप गा सकें इसको, और म्यूजिक पैटर्न के साथ बहुत ज़बरदस्त है, गला का बहुत बीच बीच में हरकत। आइए थोड़ा सा एक लाइन गुनगुनाता हूँ, अंत तक देखिएगा, बहुत तड़का इसमें मिलेगा। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, कहरवा ताल के अंदर जब आराम से मैं अभी दिखाने वाला हूं, तो हर एक नोट आपको पता चलेगा, खास करके कुछ कुछ जगह पे बहुत शानदार का कमाल का हरकत लिया गया है, तो वो हमको देखना है, सीखना है और कमेंट जरूर करना है। आइए दिखाता हूं किस तरीका से आप इसको गा सकते हैं, इसी स्केल में गाइएगा, ये कंफर्टेबल जोन है, बाकी सलीम साहब ने जो गाया है उनका अलग बात है, उस स्केल नोट में हर कोई नहीं गा पाते हैं, लेकिन आपको अपने स्केल में ही रखना चाहिए इस चीज़ को, और अपने स्केल में भी इसको प्रभावशाली तरीका से आप गा सकते हैं। किस तरीका से मैं दिखाता हूँ, चलिए चलिए देख लेते हैं। तीसरी काली साफ बना के मैं बता रहा हूँ, आराम से देख लीजिएगा, एकदम बजा पाइएगा। यहाँ से एक बार खमाज थाट बजा लीजिए, सारे गमा पधा कोमली निशा सानी धा पमा गरे सा, ये बेस कॉर्ड बनेगा, ये बेस कॉर्ड बनेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा और मैं बता दूंगा ये, लेकिन बेस कॉर्ड यहाँ ये बेस कॉर्ड बनेगा। तीसरी काली से ही बता रहा हूं, आप आउट डाउन करना चाहते हैं तो खमास थाट के नोट के अंदर आप इसको बजा सकते हैं। पहला लाइन में सा से स्टार्ट करना है, दोहा है, प्रथम गुरु जी को वंदना, बाद में ये कॉर्ड आ जाएगा, ये नोट क्या लगा, सा 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 रे सनी सरे सागर सनी, प्रथम गुरु जी को वंदना। ओके, यहां से फिर सेकेंड लाइन, द्वितीय रे से आदि रे रे सरे नी पा प प सा द्वितीय आदि गणे पसानी सा। ओके, फिर से देख लीजिए, प्रथम कॉर्ड भी लेके गा सकते हैं, प्रथम गुरु जी को वंदना, ये कॉर्ड, और यहां से
द्वितीय हरि गणेश। फिर एक अलाप है, ये सब मुश्किल काम है। तृतीय, तो ये क्या बजा? ओ त्री, ये है। निसा रे रे सा नी, दो पार्ट में देख लीजिए, आसान होगा, रियाज कर लीजिएगा आराम से। निसा रे रे सा नी सा रे, निसा रे रे सा नी सा रे मा पा धा पा, निसा रे रे सा नी सा रे मा पा नी पा, सॉरी ये नी पा, नी पा। निसा रे रे सा नी सा रे मा पा नी पा, तो इसका एक पैटर्न बनाइए और रियाज कर लो। ओ निसा रे रे सा नी, ओ निसा रे रे सा नी सा रे मा पा नी पा, ओ रियाज करते करते कर लीजिए। ओ और उसके बाद यहाँ से, यहाँ आने के बाद फिर एक हरकत है जबरदस्त का, उसको देखिए। यहाँ है जैसे ओ तृतीय सुमिरु, तो पूरा का पूरा ये कौन सा नोट है? पॉप है, तृतीय सुमिरु। उसके शारदा में हरकत है, शारदा, इसका नोट बनता है नी पा मा ग रे ग मा मा प ध मा प रे ग रे। एक बार और नोट सुन लीजिए, नी पा मा ग रे नी पा मा ग रे ग मा मा प ध मा प रे ग रे। इसको करते करते फास्ट कर लीजिएगा और शारदा का पूरा इफेक्ट है, शारदा, जब फास्ट करेंगे तो इफेक्ट में आ जाएगा। शारदा शारदा, उसके बाद मेरे, यहां शारदा को डाउन भी कर, शारदा ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे कारज करो रे रे सारे रे सारे नी पा, मेरे कारज करो हमें बसानी सा। ओके, उसके बाद म्यूजिक पैटर्न बजा सकते हैं ऐसा। क्या बजा? नी सा सा रे 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 सा 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 नी, नी सा सा रे 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 सा सा, नी सा सा रे 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 सा 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 नी, नी सा सा रे 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 सा सा। इसमें जोड़ दीजिएगा, एक्स्ट्रा नोट लग रहा है। क्या नोट एक्स्ट्रा है? कोमल ग का प्रयोग किया गया है। यहां से प म ग म ग ग प म ग म ग ग, दोबारा में प म रे ग रे रे, दोनों रे कोमल रे भी प म रे ग रे रे। और यहां एक कर्ण लगा सकते हैं, झटका से लीजिएगा और उसके बाद ये क्या बजा? ये ग है, ये प है, ग प रे ग सा रे नी सा प। और इस म्यूजिक को बीच बीच में ही बजा सकते हैं, अंतरा के बीच में। उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट होता है, भजन का पहला अस्थाई, तेरी सानी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, सानी नी सा रे प मा ग रे नी सा रे प मा रे, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश।
सारे ससा। ओके फिर से, तेरी जय हो गणेश। एक्स्ट्रा नोट लगता है, तेरी जय हो गणेश। पम रे पम रे, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। ओके इसी लाइन को ऊपर से गाया गया है, ये कॉर्ड ले लीजिएगा। तेरी जय हो गणेश, मा पा 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 पा, कॉर्ड जोड़ लीजिएगा। तेरी जय हो गणेश, पा मा मा पा सा नी धा पा पा। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय मा पा पा सा नी जय हो पसनी जय हो गणे धा पपा जय हो गणे। इतना करने के बाद जब इंड करना है इस लाइन को तो कैसे करना है, जैसे ये किए, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। इंड करना है तेरी, यहीं बोल के तेरी जय हो पापा पसनी पामा, तेरी जय हो गणेश ने पनी पमरे नेश तेरी ये। फिर वही बीच में वही म्यूजिक पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टिंजा में जब जाएंगे तो देख लीजिए, कारज पूरन तजही होवे, सानी सानी सारे रे रे मम रे मरे रे सानी। कारज पूरन तजही होवे। और फिर अस्थाई वाला नोट में चला जाएगा, स्टिंजा में ज्यादा टफ काम नहीं है। कारज पूरन तज ही होवे, अस्थाई का सेकंड लाइन जो गाए हैं उसी में है। कारज पूरन तज ही होवे, मा मरे रे रे मामा मा पसनी धा पापा। कारज पूरन तज ही होवे। और उसके बाद अस्थाई के नोट के तरह ही है ये लय, गणपति पूजो जी पससनी ने पापा मा, गणपति पूजो जी हमें गण। और रिदम में जब गाएंगे तो ये सब बहुत शानदार लगेगा, गणपति पूजो जी हमें तेरी जय। और इस स्टेंजा को अगर ताल में गाते हैं तो ताल में देख लीजिए, कारज पूरन तज ही होवे, कारज पूरन तज ही होवे, कारज पूरन तज ही होवे। गणपति पूजो जी हमेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। इस हिसाब से आप गा सकते हैं। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।